अस्सलामुअलैकुम, रिजवान के फफर में खुश आमदीद। आज हम हैं फैसलाबाद में और फैसलाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुर्तजा साहब। ये वैसे तो हमारे क्लाइंट के हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। तो आज मुर्तजा साहब ने ये फैसला किया, रिजवान साहब आपको जरा फैसलाबाद दिखाते हैं, तो हम भी आपको फैसलाबाद दिखाते हैं। अभी हम चलते हैं फैसलाबाद के घंटाघर। आपको जैसे पता है कि पहले मैं आपको उसकी डिटेल वीडियो दिखाता हूँ, फिर उसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताता हूँ और ये बताता हूँ कि ये बिल्डिंग कब बनी और इसके बनने का पर्पज़ क्या था। अभी आते आते मैं बरसवील तस्करा आपको ये चीज़ बता दूँ कि मुर्तजा साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी मुझे चीज़ें बताई हैं। पहली चीज़ उन्होंने ये बताई है कि अभी हम जहाँ फैसलाबाद घंटाघर में जा रहे हैं वहाँ 8 रास्ते मिलते हैं, जैसे आपको मालूम है उस घंटाघर पर, लेकिन उस ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि उन 8 रास्तों पर हर अलग अलग तरह के बाजार हैं। मुर्तजा साहब से पूछते हैं, मुर्तजा साहब कौन कौन से बाजार हैं वहाँ पे मुख्तलिफ रास्तों में? ये सर, जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आप अगर सेंटर में जाते हैं जी जी घंटे घर के जी जी, तो वहां से आप देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ बाजार मिलेंगे 8। ठीक है, गोल शेप में 8 बाजार मिलेंगे। तो उस मुख्तलिफ बाजारों में मुख्तलिफ तरह का काम होता है। ओके, जैसे आप एक बाजार में जाएंगे तो वो आपको सब्जी का बाजार मिलेगा, दूसरे में मोबाइल शॉप होंगी, तीसरे में लेडीज कपड़े और दूसरे बच्चों का सामान, कहीं पे टेक्सटाइल का काम हो रहा है। तो ये मुख्तलिफ बाजार हैं, तो मुख्तलिफ बाजारों में मुख्तलिफ तरह का काम होता है। ये बड़ी जबरदस्त बात बताई खाते हुए हैं क्या? जी जी, मुर्तजा साहब ने बड़ी जबरदस्त बात बताई कि भाई ऐसा नहीं है, वहाँ जो 8 बाजार हैं, यानी कि आप किसी एक रोड पे चले जाएं तो आप सब्जी ले सकते हैं खाली, किसी एक रोड पे खवातीन की चीजें हैं, किसी एक रोड पे मोबाइल की सिर्फ चीजें हैं, किसी एक रोड पे कपड़े से मुतालिक सामान है। तो इस तरह अलग अलग 8 बाजार हैं जो कि फैसलाबाद के इस मशहूर घंटाघर को जोड़ते हैं इन 8 बाजार से। तो आइए वहाँ पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा है घंटाघर। फैसलाबाद एक बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है और इसके अंदर आपको डिफरेंट जगहों पे, लोग समझते हैं कि जी फैसलाबाद एक छोटा सा शहर होगा, टेक्सटाइल के हवाले से तो बिलाशुबा ये मशहूर है, लेकिन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि फैसलाबाद आएँ, फैसलाबाद घूमें, आपको फैसलाबाद में बहुत मज़ा आएगा। लाहौर के बहुत करीब है, सिर्फ 2 घंटे में आप लाहौर से फैसलाबाद पहुँच सकते हैं। फैसल मूवर से मैंने आपको जैसे बताया था पहले भी, सिर्फ 890 रुपये में एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट होता है और आप फैसलाबाद 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। दिन में कई टाइमिंग्स पे ये गाड़ी चलती है। फैसलाबाद में आपको ये गाड़ी उतारेगी तो आपके पास बहुत सी जगहें होंगी देखने के लिए, ख़ास तौर से वो लोग जो शॉपिंग से और मुख्तलिफ प्रोडक्ट से दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए फैसलाबाद बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ होगी। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ जब हम वहाँ पहुँचने जा रहे हैं। हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क की है और अब हम जा रहे हैं घंटाघर की तरफ, चूँकि वहाँ पर बड़ा कमर्शियल इलाका है और बहुत रश होता है, तो इसलिए हमने कोशिश ये की है कि दूर ज़रा गाड़ी पार्क कर दें। आते हैं भाई और चलें आज फैसलाबाद की गलियों में, पैदल पैदल चलते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अभी अभी ताज़ा ताज़ा फुहार हुई है यहाँ पे और बड़ा अच्छा मौसम था आज दिन में भी और कल भी। तो लेट्स सी, देखते हैं अब फैसलाबाद में क्या क्या देखने को हमें मिलता है। बरतानवी राज के शुरू के जो जिन शहरों की मनसूबाबंदी की गई थी बाकायदा तौर पर बसाने के लिए, उन शहरों में से एक है। तकरीबन 5,856 स्क्वायर किलोमीटर में ज़िला फैसलाबाद फैला हुआ है। लाहौर के बाद पंजाब का दूसरा बड़ा और कराची और लाहौर के बाद पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है फैसलाबाद। ये देखिए जनाब, इस बाज़ार में एक साइड पे आपको बुक्स वगैरह की शॉप मिलती है और एक साइड पे आप देखिए सजावट का सामान आपको नज़र आ रहा होगा, ये मिलता है यहाँ पे। तो सारी इस तरह इकट्ठी इकट्ठी दुकानें हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो झंडे वंडे भी लगे हुए हैं इधर, तो वैसे मेरे ख्याल ये फॉर सेल है, ये वाहि जगह है जहाँ सारी सियासी पार्टियों के झंडे इकट्ठे लगे हुए हैं क्योंकि ये दुकान है। बरतानवी राज के दौर से अब तक अपनी असली हालत में खड़ी कदीम तरीन यादगारों में से एक फैसलाबाद का ये ज़बरदस्त क्लॉक टावर 1905 में उस वक्त के जंग के एक डिप्टी कमिश्नर थे सर जेम्स लॉयल, उन्होंने बेसिकली ये तामीर किया था। अच्छा, इसकी तामीर की भी एक कहानी है। अमूमन लोग ये समझते हैं कि ये बड़े पैमाने पर ख्याल किया जाता है कि ये शहर का वाहिद घंटाघर है। ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि इससे पहले भी अंग्रेज़ों ने एक घंटाघर यानी क्लॉक टावर बनाया था इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में, और इससे डिफरेंट उनका पर्पज़ होता था उसको बनाने का। जो बनाया था वो सबसे पहले तो वहाँ एक जो हर घंटा पे घड़ी बजती थी ताकि लोगों को वक्त पता चले, और दूसरा ये कि टावर के ऊपर एक तीर भी था जो इशारा करता था शहर की तरफ, यानी मुसाफिर आने जाने वालों को बताता था कि इस शहर इस तरफ है।
अंग्रेज़ों ने इस घंटी का इस्तेमाल बाद में इलाके के लोगों को जमा करने और उनसे टैक्स वसूल करने या कोई मैसेज वैसेज मलका का आता था तो वो कोई सी अहम पैगाम की बातचीत के लिए भी उन्होंने जमा करने के लिए लोगों को किया। और उस टावर के ऊपर बारिश की मकदार की पैमाइश के लिए बाद में बारिश का मीटर भी नस्ब किया गया था। तो ये वाहिद टावर नहीं है, इससे पहले भी यहाँ टावर था। इस जहाँ ये टावर इस वक्त मौजूद है, यहाँ पहले एक पानी का कुआं था जो भर गया था, यानी वो खुश्क हो गया था, तो फिर ये टावर तामीर किया गया था। और इसके पीछे जो कहानी है वो कुछ इस तरह की है कि असल में गुमती और कैसरी दरवाज़ा, ये पहली दो यादगारें थीं उस ज़माने में। कल्चर था कि मलका विक्टोरिया की सालगिरह वगैरह होती थी तो उनके एजाज़ में यादगार तामीर की जाती थी। तो उन्होंने जो मुकामी लोगों ने उनकी सालगिरह पे जब ये तामीर की, गुमती भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके, तो मुसलमानों ने एहतजाज किया क्योंकि वो मलका विक्टोरिया के एजाज़ में उनकी नुमाइंदगी करने वाली यादगार ना होने की वजह से ज़रा अलग थलग सा फील करते थे। तो फिर बरतानवी इंतज़ामिया ने मुसलमानों और दीगर मजहबी अखिलतियों के साथ मिलकर एक दूसरा घंटाघर, यानी अब जो आपको ये क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, ये तामीर किया। इसीलिए इसके नीचे चार मुख्तलिफ कुतबात जो कि सिख, हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियंस, उन सारी बरदरियों की नुमाइंदगी करते हैं, वो मौजूद हैं। इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाला सुर्ख रेत का जो पत्थर है वो यहाँ से तकरीबन 45-50 किलोमीटर दूर सांगला हिल है, वहाँ से लाया गया था। तो लोकल पत्थर्स की मदद से और मुकामी लोगों ने ही, यानी मुकामी जो मजदूर थे उन्होंने ही इसको तामीर किया था। और इसकी कुल तामीर में 40,000 रुपये की रकम खर्च हुई थी 1905 में। ये 1903 में इसका संगे बुनियाद रखा गया था और फिर 1905 तक इसको मुकम्मल किया गया था। ये इस बेसिकली क्लॉक टावर के अतराफ में जो 8 बाज़ार हैं वो है, वो दरअसल बरतानिया का जो परचम है यूनियन जैक, उसकी नुमाइंदगी करते हैं 8 हिस्से में, जैसे वो डिवाइड हुआ हुआ है, आपने भी देखा होगा। ये शहर के पुराने हिस्से में वाक़ है और इस तरह 8 बाज़ारों के मरकज़ में अगर आप ऊपर से देखें इसको, इन 8 बाज़ारों को इस क्लॉक टावर के साथ, तो आपको इंग्लैंड के परचम की तरह का इसका डिज़ाइन नज़र आता है। ये जब सर चार्ल्स रिवाज ने इसका संगे बुनियाद रखा था 1903 में, तो उसकी ये आपको एक तख्ती नज़र आ रही है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ अब एक, और जब ये इसका इफ्तिताह किया था बाकायदा सर लेविस टप्पर ने, तो ये फाइनेंशियल कमिश्नर थे उस ज़माने में पंजाब के, 13 दिसंबर 1905 को इन्होंने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया था इस इमारत का। ये मैं आपको एक और इसका भी एक तख्ती दिखाता हूँ जो ज़रा ऊपर नस्ब है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि चनाब कॉलोनी के जो रेजिडेंस हैं उनकी तरफ से मलका बरतानिया के एजाज़ में जो क्वीन विक्टोरिया थी 1903 से 1905 के दरमियान इस यादगार को बनाया गया है। तो अच्छा, इसके अंदर ऊपर तक जाने के लिए पहले लकड़ी की सीढ़ियाँ होती थी, अब वो थोड़ा टूट फूट गई हैं, थोड़ी सी बाकी रह गई हैं, तो बाकी मेटल की बना दी गई हैं। लोहे की पूरी सीढ़ी ऊपर तक जाती है और पेंडोलम सिस्टम पुराना वाला लगा हुआ है। ओके मुद्रा भाई, हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सुनार और ये समझे ज्वेलरी जो है सराफा बाजार, ये पूरा यहाँ रेल बाजार, ये कारखाना बाजार। और कारखाना बाजार जनाब एक और आ गया, इसमें वो आपको जो एनर्जी आइटम होती है जैसे वो दुकानों पे पड़े होते हैं, तराजू पड़े होते हैं, ओके। और दूसरी जो छोटी मोटी आइटम इस्तेमाल में होती है ये ग्रेट। ये आ गए हैं, अब हम घूम गाम के अपनी गाड़ी के पास, और फिर हमारे खड़े गाड़ी और हमारे दोस्त खड़े हैं मुर्तजा साहब, और अब हम आगे जाएंगे यहाँ से फैसल मूवर के स्टाफ की तरफ, जहाँ से मुझे वापस लाहौर पहुँचना है।
और फिर कल आपको लाहौर से मैं चीज़ें दिखाता हूँ मुख्तलिफ डिटेल से, शाही किला देखेंगे इंशाल्लाह, मीनार पाकिस्तान देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कल। तो जनाब चलते हैं लाहौर और लाहौर से फिर बात करेंगे। चलिए जनाब मुर्दा साहब बैठ गए गाड़ी में, अब हमें भी बैठ जाना चाहिए गाड़ी में। ये वो गुमती चौक है जो मैं आपको बता रहा था अभी के कैसरी दरवाजे के साथ, जो क्लॉक टावर से पहले बनाई गई थी यादगार, जिसके बाद फिर मुसलमानों ने एहतजाज किया था कि हमें भी कोई यादगार बनानी चाहिए मलका विक्टोरिया। हमारे साथ है पुरम साहब, पुरम साहब फैसलाबाद में पैदा हुए हैं, तो हमने सोचा जरा इनसे फ़ायदा उठाते हैं और पूछते हैं कि भाई फैसलाबाद शहर कैसा है, क्या क्या जगहें हैं, यहाँ कोई नया आदमी है तो यहाँ से जाना चाहिए। जी बताएँ पुरम साहब। फैसलाबाद आप अच्छा शहर, यहाँ पे जो भी पर्सन है सारे प्यार करने वाले हैं, ये कह रहे हैं मोहब्बत करने वाले लोग हैं, देख लें आप। और बाकी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे खाना भी अच्छा मिलता है। अच्छा, बहुत अच्छा खाना मिलता है। अच्छा, ऐसी एक आध जगह का नाम बताएं। जैसे कि हजारा होटल है अपना यहाँ पे, यानी कि लोकल बंदा आम बंदा भी वहाँ पे बैठ के खा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि बहुत महंगा भी नहीं, महंगा भी नहीं, गुड हो गया। और ये बताएं कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह अच्छी अच्छी जहाँ आप देख सकते हैं जाके। आप मेन वो जो है वो हमारा आठ बाजार है, वही देखने वाले हैं मेन, मेन आठ बाजार है। और आपको मैंने बताया था फैसलाबाद घंटा घर के चारों तरफ जो आठ बाजार हैं उनकी खसूसियत ये है कि किसी में मोबाइल मार्केट है, किसी में कपड़े की दुकानें खाली हैं, सारी चीज़ें दुनिया की कोई भी चीज़ हो यहाँ से मिल जाए। अच्छा देखिए भाई, फैसलाबाद आए तो घंटाघर तो हर जाना ही जाना है पहले, इसके अलावा एक गुमती भी चौक है, पहले आता है घंटाघर से पहले, आप पहले गुमती को एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, फिर आपके यहाँ से चले, गुड हो गया। ये आपको पता चला, ये हमारे जो है खुर्रम साहब है फैसल मूवर पे, यहाँ पे हम आए थे इसके स्टेशन पे, तो यहाँ ये गार्ड हैं, अभी इन्होंने नए नए ज्वाइन किया है लेकिन फैसलाबाद के पैदाइशी हैं। तो मिलते हैं ज़रा सा फिर लाहौर में हम। ये हम ज़रा आपको मनाजिर दिखा रहे हैं चूँकि जो हमें जाते हुए नज़र आए थे, लेकिन मैंने इसको आखिर में अपनी वीडियो के डाल दिए ताकि हम सबको ये पता चले कि कितना ज़्यादा पानी आ गया है सैलाब की वजह से। ख़ास तौर से ये इंटीरियर सिंध के मनाजिर हैं। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस से हम गए थे और वो 48 घंटे में हमें लेके लगभग लाहौर पहुँची कराची से, और हमें तो जो वक्ती परेशानी हुई, लेकिन हम सबको ये सोचना चाहिए इन लोगों के बारे में जिनकी खड़ी हुई फसलें जल गई, जिनके घर बह गए, जिनके प्यारे उस दुनिया से चले गए। तकरीबन 1000 से ज़्यादा आदमी इस वक्त तक बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तान में के दीगर इलाकों में, और ख़ास तौर से बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, सिंध में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो आपको ये सैलाब के मनाजिर भी मैं थोड़े से आपसे शेयर कर रहा हूँ एक दुखी दिल के साथ, लेकिन ज़रूरी है ये तमाम लोगों को बताना कि जब हम जा रहे थे तो हमने भी बहुत सारे लोग देखे जो पटरियों के किनारे पे बैठे हुए थे, जिनके पास खुशकी की कोई जगह भी नहीं थी कि जहाँ वो रह सकें। तो आप कंबल और खाना और टेंट और ये सब तो बहुत दूर की बातें, और हमें बहुत कम जगहों पर रिलीफ कैंप्स या इस तरह की चीज़ें नज़र आई। हो सकता है वो शहरों के बीच में हो और हमें नज़र ना आई हो, लेकिन हमें पटरी के साथ बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए नज़र आए, जो कि भूखे थे, खुराक के मुंतज़िर थे, इमदाद के मुंतज़िर थे। जहाँ जहाँ जैसे जैसे हो सका हमने उनकी मदद भी की और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। और आपसे भी यही दरख्वास्त है कि उन लोगों की दिल खोल के मदद करें, किसी भी हवाले से करें। आपको यकीनन हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है और आप और भी कोई तजावीज़ देना चाहते हैं, मशवरा देना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को हमारी लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।